नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जो अक्सर अपनी फिसलती हुई जुबान के कारण सुर्खियों में नजर आते हैं, कभी उनकी जुबान के फिसलने के कारण वो राजपूत समाज के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो कभी वाल्मीकि समाज के या फिर कभी वाली समाज के। बता दें कि एक समय पहले भी गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष, जी हां, जिनका एक समय पहले महाराणा प्रताप को लेकर एक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था, टिप्पणी कसी गई थी, जिसके बाद राजपूत समाज के लोगों ने इसका विरोध किया था। और एक बार फिर से आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया की फिसल गई है जवान। बता दें पन्ना धाई के बलिदान का बखान करते वक्त उदय सिंह को टोकरे में ले जाने वाले कीरत को उन्होंने वाल्मीकि समाज का बता दिया, जिसके बाद अब वाल्मीकि समाज के लोगों में और वारिस समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर गुलाबचंद कटारिया की फिसलती हुई जबान उनकी मुसीबत का कारण बन जाती है, उनके कलेश का कारण बन जाती है, और वो अक्सर सवालों के कटघड़े में आकर खड़े हो जाते हैं और लोग उनका विरोध प्रदर्शन करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। और इस बार फिर से गुलाबचंद कटारिया का ऐसा ही बयान सामने आया है। अब देखना यह है कि वाल्मीकि समाज और वारिस समाज का उनकी इस टिप्पणी पर अगला क्या कदम होगा। दिखाते हैं आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। इतनी सी बात सुन करके पन्ना के दिमाग पे आया, मैं इस उदय सिंह को कैसे सुरक्षित निकाल सकती हूँ, और इसलिए उसने अपने किरत भंगी को बुलाया कि किरत भंगी दादा काका तुम आओ और आकर के ये मेवाड़ का जो भविष्य है इसको, इस ये जो अपना फल का टोकरा है इसमें इसको बिठाती हूँ और ऊपर पत्थर और चूने डाल देती हूँ, तुम लेकर के इसको सुरक्षित निकल जाओ। त्राही त्राही जगदम्ब के ये देव की लाचार है, अन्याय अत्याचार की जंजीर को तोड़वाइए और कंस के इस धाम से घनश्याम को छुड़ाइए। आंख खुली तो देखती है एक टोकरा पड़ा हुआ और 60 साल का कीरत भंगी वासुदेव बन खड़ा हुआ। शाम सुबह जो राजमहल की झूठन पाने आता था, रजवाड़े की सारी मासी पतले ले जाता था, कौन जानता इसे खबर थी देव कलम के राज की, कीरत बंगी लाज रखेगा मेवाड़ी सरताज।